सेट्स पर हुआ है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी न्यूज़ सुनने मिल रही है, तो आप लोग वहाँ सिचुएशन पे प्रेजेंट थे, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। हम 100 लोग सवा 100 लोग एक यूनिट के शूट कर रहे थे सुबह 7 बजे से, 4 सवा 4 के आसपास 4 लोग उधर आए जिनके पास स्टिक्स थी, आयरन रॉड्स थी, वो ड्रंक स्टेट में थे और उन्होंने मारामारी शुरू कर दी। ठीक है, हमारे यूनिट को मारना शुरू कर दिया। वी हैड फीमेल क्रू, वी हैड सीनियर एक्टर्स, वी हैड टेक्नीशियंस इन अ क्रू एंड वी वर टेकन अबैक, वी वर इन शॉक। हमने इमीडिएटली उस वक्त अपने आप को रिट्रैक्ट किया और उस कंपाउंड से हम बाहर आ गए। वी वर थ्रेटन टू लीव द प्रेमाइसिस। वी ट्राइड टू टॉक टू देम बट एवरी टाइम वी ट्राइड दे स्टार्टेड हिटिंग अस। उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, इनके बाउंसर को चोट लग गई बचाने के चक्कर में। हमारे डीओपी को 6 से 7 टाके आए, हमारे डायरेक्टर को 2 बार उनके हाथ पे पीठ पे बहुत बड़ा निशान है। सामान निकालने दो बट दे वर टू मच इन देयर ड्रंकन स्टेट टू इवन एक्नॉलेज व्हाट वी वर आस्किंग देम। इवेंचुअली व्हेन दे सॉ पुलिस पेट्रोल वैन कमिंग दे रैन अवे। पुलिस पेट्रोल वैन वेंट इनसाइड, दे लॉक द कंपाउंड। हमने बोला भैया हमको सामान निकालने दो, घर जाने दो, फीमेल क्रू है, वैनिटी वैन है, गाड़ियाँ हैं, आपने देखा है शूटिंग में क्या क्या होता है। तो पुलिस ने बोला आप तो मामला कोर्ट में जाएगा, केस बनेगा, फाइल होगा, ये होगा, वो होगा। तो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। इवेंचुअली वी वेंट टू द हॉस्पिटल, जो लोग इंजर्ड थे उनको फर्स्ट एड दिलाया। वहाँ हमने एक वीडियो अपलोड किया जो फ्रेंड्स फैमिली और आप लोगों के सपोर्ट से वायरल हो गया। उस वजह से DCP अविनाश जी जो वहाँ के सीनियर हैं उन्होंने इस चीज़ का कॉग्निस लिया। उन्होंने हमको बुला के पुलिस रिपोर्ट फाइल की, उन्होंने उन लोगों को रातों रात अरेस्ट किया, हमारे सामान को सेफ पैसेज दिलाया। ही मेड श्योर दैट एवरीबडी वेंट होम सेफ एंड बाय मॉर्निंग आई थिंक वी हर्ड दैट ऑल द 6 गाइज वर अरेस्टेड एंड the discussion that we never had police permission is debatable because we can challenge this thought in any legal authority that we had legal permission to shoot there. और हमारे पास परमिशन हो या ना हो, अगर मैं आपके साथ आपके घर पे खड़ा हूँ और कोई आके मुझे मारता है, मेरा खून निकल रहा है, तो क्या आप मुझसे परमिशन मांगेंगे या मुझे फर्स्ट एड देंगे? एज अ पुलिस इफ यू सी सेवरल पीपल गेटिंग हर्ट बाय अ प्रोसेस ऑफ राइट, विल यू आस्क फॉर पुलिस परमिशन for me to stand there or will you safeguard me? Yeah. Isn't that what's supposed to be your duty? Or will you ask a police permission hogi to aapka khun saaf karenge? मैम हमने देखा कि यू नो आपको आप पूरी सिचुएशन में भी आपको मारा जा रहा था। तो मारा जी, मुझे मारने आए थे लेकिन मचा लिया। हां हां, सो आप कैसे टैकल किया इस सिचुएशन? इट वाज वेरी स्कैरी और मुझे तो ये हो रहा था कि बाकी लोगों को कितना मार रहे थे, वो लोग सबको जो भी रास्ते में उनको मार रहे थे, तो काफ़ी डरावना था वो सीन। और मुझे और ये आज जो हम CM साहब से मिलने हैं ये भी एक कारण है ताकि आगे लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। सब लोग वहाँ शूट करते हैं उस एरिया में, मैंने 2 दिन बाद फिर वहाँ शूट करना है, तो ये एक डर का माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ उन लोगों ने वहाँ पर, विच इज़ लाइक रियली रॉन्ग। तो आई थिंक जो आज हमारी मीटिंग हुई है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। सर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर नीड्स टू बी टैकल्ड। हर आदमी नहीं तो इस शहर में एक बाउंसर लेके कैसे घूम सकता है? बाउंसर्स को तो मार देते हैं। आपको घर से निकलने के लिए बाउंसर की जरूरत है? आपके कैमरामैन को, आपके क्रू को, रोज 4 आदमी आप निकलते हो और 4 बाउंसर लेके कैसे जाओगे? इज इट प्रैक्टिकल? 100 लोग यूनिट में हम 125 बाउंसर लेके कैसे घूमे? एवरीबडी मस्ट रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। वी आर शूटिंग, वी आर प्रोफेशनल्स, टैक्स पेइंग सिटीजन्स, वी पे आर मनी एंड शूट। He has taken action. He has made sure the strictest action will be taken against who is arrested. He made us speak to the IG of that area. He set up a meeting for us. He just did not assured us. He took action. And we have no political affiliations, but we thank him, and we thank all of you for supporting us. Yeah. Because of which this happened. Yeah. Really, thank you so much. Thank you so much. Thank you.